नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार से झारखंड जाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि झारखंड को बिहार से जोड़ने के लिए सोन नदी पर पुल निर्माण की अनुमति मिल गई है, जिसमें कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। और सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सोन नदी पर बनने वाला यह पुल गढ़वा के श्रीनगर रोहतास के नौहट्टा को जोड़ने वाले इस पुल के निर्माण के लिए 2 साल का समय निर्धारित किया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की तरफ से इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। गौर करने की बात यह है कि सोन नदी पर पुल बन जाने से बिहार और झारखंड के लोगों को अपने राज्य से दूसरे राज्य जाने में काफी सहूलियत होगी। काफी लंबे समय से बिहार के साझा झारखंड वासी भी उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी भी बिहार से झारखंड तक का सफर तय करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है। लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस निर्माण को हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसके तहत आज झारखंड वासी और बिहार वासियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि काफी लंबे अरसे से लोग श्रीनगर पंडुका पुल का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कोविड-19 के माहौल के बीच उस महीने की शुरुआत में ही बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले श्रीनगर पंडुका पुल निर्माण के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, जिसके बाद अब बिहार सरकार ने पुल निर्माण के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पुल के बन जाने से गढ़वा से बिहार जाना या फिर बिहार से गढ़वा आना काफी आसान हो जाएगा। सोन नदी पर पुल का निर्माण गढ़वा के कांडी प्रखंड के श्रीनगर से बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के पांडुका के बीच किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि आम लोग कई सालों से इस पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। वर्तमान समय में डेहरी ऑन सोन के बाद तकरीबन 100 किलोमीटर तक सोन नदी पर पुल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को वाहन से पुल पार करने के लिए डेहरी जाना पड़ता है। बड़ी संख्या में लोग नाव से भी सोन नदी पार करते हैं। बारिश के मौसम में नाव से सोन नदी पार करना बहुत ही जोखिम भरा होता है। वहीं अगर अब पांडुका में पुल निर्माण हो जाता है तो स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। और पांडुका का पथ निर्माण के लिए 2010 में ही संघर्ष की लड़ाई देखने को मिली थी। रोहतास और झारखंड के गढ़वा के जनप्रतिनिधि द्वारा पिछले कई सालों से लगातार पथ निर्माण की मांग की जाती रही है। ऐसे में पुल पर निर्माण शुरू होने वाला है तो श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। हालांकि माहौल चाहे जो भी हो, पुल निर्माण का रास्ता साफ होने से आम लोग काफी ज्यादा संतुष्ट है और आने वाले समय में व्यापार के द्वार खुलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि दूरी कम होने के कारण लोगों का आना जाना आसान तो होगा ही। इस पुल की लंबाई रोहतास के पांडुका से झारखंड की तरफ लगभग 2.5 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के रोहतास जिला का झारखंड के पलामू से ये 2-लेन पुल सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 204.24 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार सरकार के इस प्रयास से इलाके का तेजी से विकास हो सकेगा। बिहार और झारखंड के कई शहरों का सीधा संपर्क हो सकेगा, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं सासाराम के विधायक छेदी पासवान का कहना है कि इस पुल के बन जाने से बिहार का झारखंड और छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी और मजबूत होगा, साथ ही ये इलाका बिजनेस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोन नदी पर बनने वाला यह नया पुल छठा पुल होगा। पहले कोइलवर में 2, अरवल शहर में 1, नासरीगंज में 1 और NH पर 1 पुल बनाया जा चुका है। बिहार के रोहतास जिला के पांडुका गांव और झारखंड के पलामू जिला के कांडी प्रखंड के श्रीनगर गांव से इस पुल को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके तहत अब कुल मिलाकर 345 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जानी है। जानकारों की माने तो कागजी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रथम चरण में सर्वे और मिट्टी जांच का काम भी पूरा हो गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।